शील समाधि और प्रज्ञा के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। बुद्धत्व दलाई लामा, बुद्ध मैं हुआ बोध गया। बोध गया स्थित ऐतिहासिक कालचक्र मैदान में आज दिन गुरुवार को धर्म गुरु दलाई लामा का विशेष पूजा सत्र शुरू हुआ। पहले दिन दलाई लामा ने बोधिसत्व प्राप्त के 37 अभ्यास के बारे में श्रद्धालुओं को बताया। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रवचन के क्रम में कहा कि शीतल समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास कर बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। मन, शरीर और वचन, इन तीनों के दौरान किसी बुरे काम को ना करें, जबकि धर्म का अभ्यास करें तो स्वयं हित की बातें बोधिसत्व की प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी जीवधारी, चाहे कोई धर्म के मानने वाले हो, वह सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहते। सभी धर्म के मानने वाले सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मन भी शुद्ध होगा जब हम अपने अंदर के गलत विचारों को नष्ट कर बोधिसत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दलाई लामा ने बोधिसत्व के मार्गों के बारे में शिक्षा दी। उनकी टीचिंग सुनने, मिलने और देखने की तमन्ना लिए बड़ी संख्या में देश विदेश के बौद्ध श्रद्धालु आए हुए हैं। विशेष अनुष्ठान को लेकर बौद्ध श्रद्धालु आस्था से परिपूर्ण नजर आए। श्रद्धालुओं के बीच मुफ्त में लाल पट्टी बांधे गए। मैदान के आसपास के इलाकों में जहां तहां लोग बैठकर आराधना में तल्लीन नजर आए। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए। बहुत श्रद्धालु सुबह से ही कालचक्र मैदान पहुंचने लगे।
这个是什么？这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 是